हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर अपनी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम न्यूज़ में आए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है अंटार्कटिक ट्रीटी, फिर है ICJ से रिलेटेड है, अभी रिसेंटली जजमेंट आया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अगेंस्ट म्यांमार में जो अभी जीनोसाइड हुए हैं उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है जॉइंट थिएटर कमांड, फिर लो टेम्परेचर थर्मल डीसेलिनेशन टेक्नोलॉजी और फिर पाम ऑयल। तो ये आर्टिकल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, जो कि रिलेटेड है अंटार्कटिक ट्रीटी से। अभी रिसेंटली लोकसभा में बिल पास हुआ है, इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022। तो ये जो बिल है इसमें कुछ जो है चीज़ें ऐड की गई हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका मेन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि क्या मकसद है, क्यों इस जो ये जो बिल है ये जो पास किया गया है, तो ये क्या क्या इसके उद्देश्य हैं। तो पहला कि ये जो रीजन है या अंटार्कटिका जो रीजन है ये पूरा डीमिलिटराइज होगा, इसमें कोई भी मिलिट्री का किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं होगा, वेपन्स का, और इसको न्यूक्लियर टेस्ट फ्री जोन डिक्लेयर किया गया है कि यहाँ पे जितनी भी टेस्टिंग होती है न्यूक्लियर वेपन की वो यहाँ पे नहीं की जा सकती हैं, और रेडियो एक्टिव वेस्ट का डिस्पोजल इस एरिया में नहीं हो सकता है। तो एक तरह से ये जो अंटार्कटिका रीजन है ये बहुत ही इको फ्रेजाइल टाइप का है, कि बहुत ही नाजुक है ये रीजन, कि यहाँ पे अगर हम कुछ करेंगे तो ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि हमारा जो सी लेवल राइज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आइस मेल्टिंग हो रही है, ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो एक तरह से इसको प्रिजर्व करना ये ड्यूटी है पूरे वर्ल्ड की। तो ये अंटार्कटिका ट्रीटी जो है इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है, तो इस वजह से अगर इस इंडिया ने इसको साइन किया था 1983 में, तो एक इंडिया के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि इंडिया को अपने हमारे यहाँ पे कुछ कानून बनाना होगा जो कि इस ट्रीटी से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव उनको पूरा करे। तो इसलिए इंडिया में अभी ये बिल आया है 2022 अंटार्कटिका बिल, तो अभी ये लोकसभा में पास हो चुका है। तो अब ये अंटार्कटिका ट्रीटी जो है, अंटार्कटिक ट्रीटी, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। तो ये जो अंटार्कटिक ट्रीटी है ये साइन हुई थी 1959 में और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है 1961 में, और इंडिया ने इसको कब साइन किया है 1983 में। और अंटार्कटिका जो है ये इज ऑल ऑफ द लैंड एंड आइस सेल्फ साउथ, हाँ जी। तो ये जो रीजन कौन सा अंटार्कटिका होता है, तो ये जो अंटार्कटिका रीजन है ये पूरा जो 60 डिग्री जो लैटिट्यूड है, 60 डिग्री लैटिट्यूड के नीचे जितना भी रीजन है उसको अंटार्कटिका घोषित किया गया है, कि 60 डिग्री के नीचे जितना भी सी आता है, जितना भी लैंड आता है, आइस शेल्फ है, वो सब ये अंटार्कटिका रीजन में जो है आएंगे, और वहाँ पे ये ट्रीटी अप्लाई होगी। और जब ये साइन हुई थी ये ट्रीटी, तो इसके जो कुछ सिग्नेटरीज थे तो उसमें है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिले, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, USSR, UK, US। तो अभी लेकिन ये जो है 54 मेंबर हो गए, जब साइन हुई थी तब स्टार्ट हुई थी, जब ये 1959 में ये तब ये मेंबर थे जिन्होंने साइन किया था, तो अभी तो करीब 54 मेंबर इंक्लूड हो चुके हैं इसमें, और इंडिया भी साइन कर चुका है जो 1983 में किया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो अर्जेंटीना में है, ब्यूनो एरेस में, और इसकी नोडल एजेंसी इंडिया में जो नोडल एजेंसी है जो कि सारा जो इससे रिलेटेड जो डिस्कशन होता है, जो मेन काम जो अंटार्कटिका ट्रीटी से रिलेटेड है ये करती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है, NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रीजन ओशन रिसर्च। तो इसको 1998 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये किसके अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के। तो इंडिया के कुछ प्रोग्राम हैं जो अंटार्कटिका रीजन से रिलेटेड हैं, ये कुछ प्रोग्राम हम देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला प्रोग्राम रहा है वो है दक्षिण गंगोत्री, ये हमारा पहला रिसर्च बेस स्टेशन था अंटार्कटिका में। फिर उसके बाद मैत्री रहा है 1989 में, जो कि एक शिरमाचर ओआसिस है जो कि बिल्ड अप, जो कि एक फ्रेश वाटर लेक को बना रहा है। इस लेक का नाम है प्रियदर्शिनी,
तो ये मैत्री जो प्रोजेक्ट है, मैत्री प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत आता है। और फिर 2012 में एक रिसर्च फैसिलिटी बनाई है जिसका नाम है भारती, और 2008 में सागर निधि, ये पहली इंडियन वेसल थी जो कि अंटार्कटिक वाटर में जाके नेविगेशन करेगी। तो ये देख लीजिए, इंडिया ये इम्पोर्टेंट है, इंडिया से रिलेटेड जो प्रोग्राम है और अंटार्कटिक ट्रीटी। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि रिलेटेड है ICJ से रिलेटेड है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये अभी न्यूज़ में आया है क्योंकि अभी हाल ही में इसमें जो है जजमेंट दिया है म्यांमार के अगेंस्ट, क्योंकि आप जानते हैं कितने समय से यहाँ पे म्यांमार में जो है एक कैंपेन चल रहा था रखाइन प्रोविंस में, जिसमें जो रोहिंग्या जो लोग थे, रोहिंग्या जनजाति के जो लोग थे, इनके ऊपर अटैक हो रहा था। और ये जो यहाँ और कौन कर रहा था, सबसे जो गलत बुरी बात कह सकते हैं कि वहाँ की खुद की मिलिट्री, उनकी जो वहाँ की म्यांमार की मिलिट्री है, उन्होंने ये लॉन्च किया था इन एथनिक ग्रुप के अगेंस्ट, रोहिंग्या एथनिक ग्रुप। और इन्होंने करीब 7 लाख रोहिंग्यास को जो है मारा है अपने रीजन में। तो इसकी वजह से जब उन पे अटैक हो रहे थे तो अपने आसपास के जो नेबर कंट्रीज़ थे उसमें वो जाके चले गए थे। तो जैसे नेबर कंट्रीज़ इंडिया है, हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडिया के ये जो रोहिंग्यास हैं ये भाग के आए हुए हैं, और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये जो एथनिक ग्रुप है रोहिंग्या, ये फ्लड हुए थे। और म्यांमार की जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन पे ये चार्जेस लगे हुए हैं कि उन्होंने मास रेप, किलिंग और टॉर्चर किया है 1000 ऑफ रोहिंग्यास को। तो इसलिए जो है ये जो इसकी वजह से गाम्बिया नेशन है, तो इसने जो है ICJ में एक केस फाइल किया हुआ था, किसके खिलाफ, म्यांमार की मिलिट्री के खिलाफ किया गया था। तो उसी का जजमेंट आया हुआ है अभी। तो इस जजमेंट में इसको जो म्यांमार की मिलिट्री है उसी को एक्यूज्ड घोषित कर दिया गया है इनके द्वारा, ICJ के द्वारा। तो अब ICJ न्यूज़ में आया तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इससे रिलेटेड फैक्ट हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो ये ICJ इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में जब UN की स्थापना हुई थी, तो UN चार्टर में जो है ICJ का भी इस्टेब्लिशमेंट उसी वक्त 1945 में हुआ था। और इसने एक साल बाद अपना काम करना, वर्किंग स्टार्ट कर दी थी प्रॉपरली। तो ये इसका प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं ये UN के, एक तरह से UN का कोर्ट है। और इसका ये सिचुएटेड है हेग नीदरलैंड में। ये एक लौता ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गन, एक्चुअली जो UN के 6 ऑर्गन हैं, जब बना था UN तो बने थे, तो उसमें जितने भी हैं सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, बट ये एक लौता है जिसका हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड में है। तो ये जो ICJ है इसमें 15 जजेस जो हैं, ये पूरी जो ये देख सकते हैं आप, पूरी ICJ के बेंच बैठी है जिसमें टोटल 15 जजेस होते हैं। और ये जो जज होते हैं इनका टर्म होता है 9 ईयर का। और इसको UNGA जो UN की जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल है वो इलेक्ट करती है। और ये क्या करते हैं, इनका मेन काम होता है कि अलग अलग स्टेट्स मतलब कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है और अगर किसी इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया जा रहा है, तो ये UN का जो ये ऑर्गन है ये इन सब चीज़ों से डील करता है। तो जीनोसाइड कन्वेंशन, एक्चुअली जो अभी यहाँ हुआ है, जो म्यांमार में हुआ है, उसे जीनोसाइड नरसंहार कहा गया है कि आप इतने ज़्यादा लोगों की मास किलिंग कर रहे हो। तो इससे रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशन रहे हैं काफ़ी, जो जिसमें से मेन है जीनोसाइड कन्वेंशन, जो कि पहला ह्यूमन राइट ट्रीटी थी जो जनरल असेंबली में उठाई गई थी, UN की पहली ह्यूमन राइट ट्रीटी रही है, जो कि 9 दिसंबर 1948 में की गई थी। और इसके जितने भी पार्टी थे उन्होंने साइन किया था कि इस टाइप की एट्रोसिटी, जैसे वर्ल्ड वॉर जब हमारा हुआ है, वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत ज़्यादा लोगों की जो है डेथ हुई है, एक कंट्री दूसरे जिनके बीच में एनिमीज़ कंट्री थी उन्होंने दूसरे कंट्री के लोगों पे बहुत ही अत्याचार किए हैं, तो उसके बाद ये हुआ था कि ऐसी सिचुएशन दोबारा कभी ना हो। तो ये जीनोसाइड कन्वेंशन को साइन किया गया था जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, तो ये जो उसके बाद भी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी कुछ जीनोसाइड क्राइम हुए हैं,
वो जीनोसाइड, जैसे आपने जीनोसाइड सुना होगा होलोकास्ट जो जर्मनी हिटलर ने करवाया था जूस के खिलाफ, तो ये वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है। तो ये जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है उसके बाद कुछ जो जीनोसाइड हुए हैं, तो उसमें से मेन ये है कम्बोडिया का, कम्बोडिया में हुआ था 1970 में, फिर रवांडा में 1994 में, फिर बोस्निया स्रेब्रेनिका इसमें 1995 में हुए थे कुछ जीनोसाइड वर्ल्ड वाइड जो हुए हैं तो उनका। फिर अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि रिलेटेड है जॉइंट थिएटर कमांड से। जॉइंट थिएटर कमांड जो है, अभी रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह ने, उन्होंने अनाउंस किया है कि अब अपना एक नया जॉइंट थिएटर कमांड जो है बनाएंगे। थिएटर कमांड होता क्या चीज़ है? ये थिएटर कमांड में ये होता है कि जो जितनी भी सर्विस है, ट्राई सर्विस जैसे कि आर्मी की है, एयर है, नेवी है, ये तीनों फोर्सेस जो हैं, सारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, ये एक साथ मिल के काम करेंगी। इंडिया में जैसे क्या होता है, कभी भी कोई वॉर होता है, अगर हमको मान लीजिए कोई किसी जगह पे, जैसे कारगिल का वॉर हुआ था, तो ये देखा जाता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जैसे जो आर्मी है उसको कोई और जो है उसको हेड कर रहा है, जो नेवी है उसको कोई और हेड कर रहा है, एयरफोर्स को कोई और हेड कर रहा है, तो इसकी वजह से उनके बीच कोऑर्डिनेशन में कमी होने की वजह से कभी कभी हम लोगों को बहुत लॉस झेलना पड़ता है बैटल फील्ड में। तो ऐसी दिक्कतें ना हो तो थिएटर कमांड स्थापित किया गया है हर एक अलग अलग रीजन का। तो जिसमें ये जो थिएटर कमांड में ये होगा कि एक सिंगल अथॉरिटी होगी जो कि तीनों सर्विसेज को कमांड करेंगी, जो जितनी भी सर्विस इन्वॉल्व है उनके अकॉर्डिंग, उनके डिसीजन के अकॉर्डिंग तीनों सर्विसेज काम करेंगी, ताकि एक अच्छा एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन हो और कोई दिक्कत ना हो कि एक की वजह से दूसरे को प्रॉब्लम हो। तो ये वाली सिचुएशन को कर्व करने के लिए जॉइंट थिएटर कमांड की स्थापना की गई थी। तो आप ये देख सकते हैं, ये अभी रिसेंटली जो ये जॉइंट थिएटर कमांड है ये स्थापित की गई है। तो अब इसके बारे में यही बताया गया है कि ये एक इंटीग्रेटेड जॉइंट थिएटर कमांड जो है इन्विसेज किया गया था, कि जो कि तीनों सर्विसेज हैं उनको सिंगली एक ही एक कोई होगा जो कि उसको कमांड करेगा। फॉर ज्योग्राफिकल थिएटर, ज्योग्राफिकल थिएटर मान लीजिए नॉर्थ का रीजन है और साउथ का रीजन है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, तो ये अलग अलग रीजन का जो थिएटर का अलग अलग बनेगा। थिएटर का मतलब एरिया। तो ये इसमें जो है, ये मैंने भी बताया आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनकी एफिशिएंसी को और बढ़ाने के लिए इसका किया जाएगा, ताकि हम लोग ये डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज ना हो कि एक चीज़ जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ एयरफोर्स को भी दी जा रही है, नेवी को भी दी जा रही है, तो एक तरह से वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज का। मेन पर्पस इसका ये है। और ये जो जॉइंट थिएटर कमांड है, इसकी कॉन्सेप्ट किसने रिकमेंड की थी? शिखटकर कमेटी एक बनाई गई थी, जिन्होंने बताया था कि रिकमेंड किया था, सुझाव दिया था कि आप एक ऐसा थिएटर कमांड बनाइए जो सबको जो है इंटीग्रेट करके चले, नॉर्थ के लिए, नॉर्थ चाइना बॉर्डर के लिए और पाकिस्तान बॉर्डर के लिए, और साउथ में मैरीटाइम, जो हमारा ये मैरीटाइम रीजन है जो वाटर से लगा हुआ है, तो सबके तीनों के लिए अलग अलग थिएटर कमांड की जो है रिकमेंडेशन दी गई थी शिखटकर कमेटी। ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, शिखटकर कमेटी किससे रिलेटेड है? थिएटर कमांड से रिलेटेड है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बात करता है लो टेम्परेचर थर्मल डीसेलिनेशन टेक्नोलॉजी की। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने जो है ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है लो टेम्परेचर थर्मल डीसेलिनेशन। डीसेलिनेशन में क्या होगा कि पानी से जो नमक की जो मात्रा होती है उसको हटाना है, तो उसको मतलब सेलिनिटी है उसको हटाना है, तो दैट इज़ कॉल्ड डीसेलिनेशन। तो ये जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो लक्षद्वीप रीजन है वहाँ पे इसको सक्सेसफुली जो है इसको डेमोंस्ट्रेट किया गया है। तो आगे टाइम में जो पानी की दिक्कत होगी उसको डायरेक्ट, मान लीजिए जो रीजन हमारा सी से टच करता है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को, और जो पोटेबल वाटर है वो एक्सेस हो सकता है आपको। और ये जो LTTT टेक्नोलॉजी है ये लक्षद्वीप के लिए इसको सूटेबल बताया गया है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ करती है ये एक तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस का ही यूज़ करती है। ये इस टेक्नोलॉजी में ये होता है, आपको मैं थोड़ा बहुत बताती हूँ, कि लो टेम्परेचर किसी भी अगर वाटर का अगर हम टेम्परेचर उसका बहुत कम कर दें और उसके साथ साथ उसका प्रेशर भी अगर कम कर दें,
ये ध्यान रखिएगा कि अगर प्रेशर कम कर देंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, आप फिजिक्स थोड़ी सी है यहाँ पे, कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उसके साथ कम हो जाता है। अगर आप किसी का प्रेशर कर दोगे, मान लीजिए अभी किसी 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल हो रहा है, लेकिन अगर उसका प्रेशर हम उस पर लो कर देंगे, उस पर जो प्रेशर लगा हुआ है वो उसका अगर कम कर दें, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़, कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जा रहा है कि पानी का जहाँ से आप यूज़ करो, जिस पानी का, उसका प्रेशर उस पर कम कर दो। प्रेशर कैसे कम किया जा सकता है? वैक्यूम क्रिएट कर दो। वैक्यूम में आप जानते हैं प्रेशर एकदम कम हो जाता है, ज़ीरो के अराउंड हो जाता है कहीं पर भी अगर वैक्यूम होता है प्रेशर। तो वैक्यूम सिचुएशन करके उसका प्रेशर लो करेंगे तो उसका टेम्परेचर जो है वो भी, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो हो जाएगा, और इससे जो है वो जब बॉईल करने लगेगा, इवेपोरेट करने लग जाएगा, तो उसको जो इवेपोरेटेड वाटर होगा उसको कंडेंस कर लेंगे, उसको वापस से फिर से जो है पानी में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो पीने लायक पानी हो जाएगा। और जो नीचे जो बचा रह जाएगा उसमें जो भी सॉल्ट और उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा वो नीचे ही रह जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जा रहा है इसमें, LTTD में। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कॉन्सेप्ट, मतलब काफ़ी और भी जगह पे इसको यूज़ किया जा रहा है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, एक्चुअली मेरा माइक नहीं काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है पाम ऑयल। पाम ऑयल अभी न्यूज़ में है क्योंकि अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, डिसाइड किया है कि ये जो मलेशिया से और ये जो यूरोपियन यूनियन है, ये जो पाम ऑयल को है जो इंपोर्ट करता है वो बंद कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि अभी जो है इन्होंने एक इनिशिएटिव यूरोपियन यूनियन ने जो है लॉन्च किया है, रीफ्यूल ईयू इनिशिएटिव। इसके अंतर्गत ये बोला गया है कि एविएशन इंडस्ट्री में जितना भी हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं, एविएशन मतलब वही जो भी एयरलाइंस की जो इंडस्ट्रीज हैं, उन सब में जितना भी फ्यूल यूज़ होगा वो 85% फ्यूल सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब होना चाहिए, आप जानते हैं, कि ऐसा ना हो कि आप एनवायरनमेंट को नुकसान करके वो चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल। तो ये 2050 तक का इनका टारगेट है। तो अभी लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो मलेशिया से और इंडोनेशिया से जो आ रहा है पाम ऑयल, वो एक सस्टेनेबल नहीं है। वो सस्टेनेबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो इंडोनेशिया और इसमें जो प्लांट है, फॉरेस्ट है, उनको हटाकर डिफॉरेस्टेशन करके पाम ऑयल को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक आप जहाँ डिफॉरेस्टेशन होगा कहीं पे, आप पेड़ों को काटोगे, जंगलों को काटोगे, वो एक तरह से इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल नहीं है। तो इस वजह से ईयू ने डिसाइड किया है कि इससे इसका जो इंडोनेशिया और मलेशिया से जो आप मंगवा रहे हैं ऑयल, इसको बंद कर देंगे। और तो इससे रिलेटेड फैक्ट हैं कि इंडोनेशिया मलेशिया जो है वर्ल्ड के सबसे बड़े लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर हैं पाम ऑयल के। करीब 90% जो है ग्लोबल प्रोडक्शन इसी के थ्रू होता है। और ये जो आप इसका फ्रूट है आप देख सकते हैं, जो कि इसको खाया भी जाता है, एडिबल फ्रूट है, और इसी में से ऑयल निकाला जाता है इस फ्रूट से। और इसका बहुत सारा यूज़ होता है, जैसे कि कुकिंग ऑयल में यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं, फूड बनाने में यूज़ होता है इसका, चॉकलेट, सोप, स्प्रेड, शैम्पू, बायोफ्यूल में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो बायोडीजल में। और एक तरह से इसको कहा जाता है कि एक्चुअली प्लांट से आ रहा है, तो ये जो बायोडीजल होगा ये ग्रीन डीजल है, कि आप प्लांट से आ रहा है, आप पेट्रोलियम इन सबका वो नहीं कर रहे हो, तो एक तरह से इसको ग्रीन डीजल बोला जा रहा है। और ये थोड़ा इनएक्सपेंसिव होता है प्रोड्यूस करना, इसको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, तो एक तरह से ये, और मेनली जो इंपोर्ट होता है यही से होता है। इंडिया इसका बहुत बड़ा इंपोर्टर है। करीब 40% जो इंडिया की नीड है पाम ऑयल की, वो इसी के, ये जो इंपोर्ट के थ्रू ही फुलफिल होती है। तो इस वजह से देखते हैं, बहुत ज़्यादा जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंडिया, आप जान रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बहुत ही मूव कर रही है। तो इस गवर्नमेंट ने अपने कुछ इनिशिएटिव अभी रिसेंटली लॉन्च किए थे 2025 और 2026 में, जिसमें नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम जो है, ये जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल पाम है, इसमें हम इंडिया में खुद ही डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे, जो कि अभी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन 3 times बढ़ाएंगे, कब तक? 2025 से 2026 तक। तो ये स्ट्रेटजी है। और येलो रिवॉल्यूशन कहते हैं, ऑयल सीड के जो रिवॉल्यूशन होता है उसे येलो रिवॉल्यूशन कहते हैं। आप जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन जानते हैं, येलो रिवॉल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन, बहुत सारे रिवॉल्यूशन है, तो येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड से होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के डिस्कशन को हम यहीं पे एंड करते हैं।
जय हिंद, जय भारत।